क्रमांक चार हल कर रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलाम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2.5×10⁻³ की दूरी पर स्थित है तथा विद्युत विध्रुव बनाते हैं, अर्थात 2.4 माइक्रोकूलाम का प्लस और माइनस आवेश मिलकर क्या करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें नंबर एक द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है, नंबर दो द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और तीसरा और अंतिम द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि एक आवेश का मान 2.4 माइक्रोकूलाम है प्लस का, दूसरा आवेश का मान -2.4 माइक्रोकूलाम है, एक दूसरे से अल्प दूरी 2.5×10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर एक निर्माण कर दिया है, किसका, विद्युत द्विध्रुव का। हमको पहला पता करना है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करते हैं, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं ना, हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमको क्या क्या दिया हुआ है, नंबर एक हमारे पास है क्यू, ठीक है, 2.4 माइक्रोकूलाम, इसका अर्थ क्या हो गया, 2.4 माइक्रोकूलाम का अर्थ हो गया 2.4×10⁻¹ कूलाम। ठीक है, और हमको क्या दिया है, बीच की दूरी, ध्यान रखना है ना कि बीच की दूरी कितनी दी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी है आपको, बीच की दूरी दी है 2a बराबर अपने को दिया हुआ है 2.5×10⁻³ मीटर। ठीक, और क्या दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है। ठीक है, ये तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और एक हमको दिया हुआ है आर का मान, आर का मान दिया हुआ है हमें 0.30 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम पता करते हैं, जैसे हमने द्विध्रुव आघूर्ण निकाला था तो वहां पे मैंने आपको याद करवाया था और आपको बताया था कि जो बीच की दूरी है वो उसका मान रखना है ना, इस 2a से हमको दिक्कत नहीं है। 2a का मतलब क्या है, 2a का मतलब है कि ये अगर ये द्विध्रुव मानू मैं, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू मानू, तो ये यहाँ से यहाँ तक का a और यहाँ से यहाँ तक का a, दोनों के बीच की दूरी a प्लस a 2a है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी हुई है, इसका अर्थ है वो कितना मान दिया है हमको, इस 2a का मान 2.5×10⁻³ मीटर दिया हुआ है। आप कंफ्यूज होके इसको a बराबर 2.5×10⁻³ मीटर नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, नंबर एक हम लोग पता कर रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आवेश, ठीक है, गुणित बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कितना है, Q बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2.4×10⁻¹, ठीक है, और बीच की दूरी कितनी दी है, बीच की दूरी दी है हमको 2.5×10⁻³। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, अब भी सॉल्व करना, ये मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ इसको, इसका आंसर आ रहा है 6.0×10⁻⁹। क्या आ रहा है, पी का मान द्विध्रुव आघूर्ण, तो P का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, P बराबर Q इंटू दूरी, मतलब आवेश गुणित दूरी, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो आप इसको लिख दो कूलाम, और दूरी का मात्रक कितना है, मीटर। ठीक,
ठीक है, ये हमारा हो गया पहला जो हमको पता करना था, द्विध्रुव आघूर्ण, वो हमने पता कर लिया है। अब नंबर टू देख रहे हैं हम लोग। नंबर टू में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते पहले। इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रखी है, हम दूसरा नंबर का देख रहे हैं ना। अक्षीय स्थिति में हम लोग देख रहे हैं ना, अक्षीय स्थिति में E कितना होता है। सबसे पहले हमको क्या क्या होता है अक्षीय स्थिति में, E का फॉर्मूला क्या होता है। E का फॉर्मूला होता है E बराबर, ये हम लोग कर चुके हैं ना, 1/4 πε₀ P/r³। ठीक है, सही है नहीं। अक्षीय स्थिति में कितना आता है, अक्षीय स्थिति में आता है आपका 2π/r³। देखो हमने वहां पे कर रखा है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, अक्षीय स्थिति में जो E होती है वो आपकी कितनी होती है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E, उसकी कितनी होती है, 2 गुनी होती है। ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4π₀2π/r³। अब हमको P का मान हमने पीछे निकाल लिया है, ठीक है। P का मान हमने कितना निकाला है, P का मान हमने निकाल लिया है 6×10⁻¹। और R हमको कितना दिया था, R हमको दिया था 0.3 मीटर। 0.3 मीटर का मतलब क्या हो गया, 0.3 मीटर का मतलब हो गया कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से जितनी दूरी पर हमको E का मान करना है पता, उस R का मान दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको जब हम मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1/4π₀ का मान कितना होता है, 9×10⁻¹। पहले भी बताया है कि पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको नॉर्मली ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, और हमको पता है 2 2 तो हमारे फॉर्मूले में, और P की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितनी, 6×10⁻¹⁹ अपॉन कितना आएगा, अपॉन आएगा 0.3×0.3। क्यों, क्योंकि कितना दिया हुआ है, एक और आएगा 0.3×0.3×0.3, बिकॉज हमारे पास है 2P/r³। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, इसको जब हम लोग हल करेंगे, आप लोगों को भी इसको हल करना है, अलग से हल करके देखना है इसको, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप भी कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 4.0×10⁻³। E का मात्रक कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये हमने निकाल दिया है अक्षीय स्थिति वाला प्रश्न। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में देखते हैं। देखिए निरक्षीय स्थिति में क्या आएगा, तीसरे नंबर का पॉइंट देख रहे हैं, निरक्षीय स्थिति में E, निरक्षीय स्थिति में E निकाल दो। P का मान हमको पता है वही रहेगा, बस फॉर्मूला चेंज आएगा। फॉर्मूले में क्या हो जाता है, निरक्षीय स्थिति में अब आएगा यहाँ पे P/r³ है ना, 1/4π₀ P/r³ कितना हो जाएगा, 9×10⁻¹। किसका मान है, 1/4π₀ का मान है, ε₀ का। और P की वैल्यू कितनी दी थी, P की वैल्यू दी थी 6×10⁻¹⁹ और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा आपका 0.3³ है ना। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये हमको मिलेगा 2×10³। ये आप लोगों को हल करना है ना, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद बना के सॉल्व करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे दिया हुआ है 2.4 माइक्रो कूलम, इसकी जगह आप लो
तीन नैनो कूलाम और माइनस तीन नैनो कूलाम एक दूसरे से 4×10^7 -7 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए, द्विध्रुव से अब यहाँ पे आप लिखना 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव से 0.5 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो आपको क्या करना है, यही प्रश्न रखना है, बस इसके जो आंकिक मान है वो बदलना है और इसको हल करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। ठीक है। Thank you.